आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। बढ़ती महंगाई के जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। प्रदेश सचिव रवि यादव ने ये बात बताई। समाजवादी पार्टी के नौजवान सभा संगठन प्रदेश सचिव रवि यादव ने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी यह निश्चित है। वहीं बताया कि इस वक्त हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े ही मन और लगाव से काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। अमेठी से ब्यूरो चीफ इशराक अहमद की रिपोर्ट। जी, आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को होने वाले, जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उस चुनाव को लेकर आज हम बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रदेश की पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां अब सक्रियता बढ़ा चुकी हैं और जितने भी जिले उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं हर पार्टियां अपने अपने कोई ना कोई जिलाध्यक्ष नियुक्त करती है और उन्हीं के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में जो पार्टी के कार्यकर्ता या जो सदस्य रहते हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको सबको दिशा निर्देशित कर दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा, जो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में सभी जिलाध्यक्षों को ये भी दिशा निर्देश कर दिया गया है कि अपने अपने चुनाव की तैयारियां अपने अपने ढंग से और अपने अपने तरीके से करना स्टार्ट कर दें और 2022 में होने वाले चुनावों में सक्रियता बढ़ाते हुए दिखाई दें। तो उसी के तदोपरांत आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नौजवान सभा से प्रदेश सचिव रवि यादव जी। तो आइए हम आज इनसे बात करते हैं कि 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर इनकी पार्टियां किस प्रकार की गतिविधियां लोगों तक पहुंचा रही हैं और कैसी इनकी समीकरण है इनका चुनाव का, जो चुनाव ऐसा लड़ेंगी इसकी इनकी पार्टी जो चुनाव लड़ेंगी वो किस बेस पर लड़ेंगी और कैसे लड़ेगी। तो आइए अब आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको इनसे परिचय करवाते हैं कि ये किस पद पर हैं, इनका नाम क्या है, तो कैसे कैसा कार्य कर रहे हैं या किस संगठन से हैं, वो सारी बातें आज आपको हम इनसे इनके मुँह से बुलवाएंगे। बताओ, इसके पहले आपका नाम क्या है? रवि यादव, समाजवादी नौजवान सभा के प्रदेश सचिव हैं जी, और इसके समाजवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत माधव जी, राष्ट्रीय क्रम महासचिव रविंद्र यादव जी, राष्ट्रीय सचिव भारत सिंह यादव जी की अगुवाई में समाजवादी नौजवान सभा का संगठन चला। और सबसे पहला क्वेश्चन रवि यादव जी मेरा ये है आपसे कि 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव, जो अभी कुछ ही शेष महीने बचे हुए हैं, उसको लेकर सभी प्रदेश की जो प्रमुख पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जोर आजमाइश शुरू कर चुकी हैं और सक्रियता बढ़ा चुकी हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से, ये जो उनके संगठन हैं वो किस प्रकार से, उनके पदाधिकारी और उनके सदस्य किस प्रकार से काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी नौजवान संगठन जो है जी, उसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वो पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आने वाले 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस प्रकार से इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, तो चाहे वो डीजल की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे रसोई गैस की बात हो, ये जो खाने से संबंधित हैं जो भी चीज़ें हैं उन पर महंगाई आसमान छू रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई जब सरकार बनी थी योगी जी की जी, 2013 में देख लो, 14 में और आज के पीरियड में देख लो, दूना दूना का अंतर। योगी सरकार ने